हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक बात पते की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लगभग आप सभी के घर में छोटे बच्चे जरूर होंगे। देखा होगा कि वो आसपास की चीज़ों को पकड़कर खड़े होने का प्रयास करते हैं। कभी कभी उन चीज़ों के किनारे धारदार होते हैं जिससे उन्हें चोट लग जाती है। कभी उनके होंठ में चोट लग जाती है तो कभी सर में चोट लग जाती है। कभी कभी तो बच्चे ज़्यादा चोटिल भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी प्रूफिंग एज और कॉर्नर गार्ड के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है बेबी प्रूफिंग एज और कॉर्नर गार्ड, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। ये ब्राउन कलर का है। ये कई कलर में अवेलेबल होता है। आप अपने फर्नीचर के अकॉर्डिंग कलर को चूज कर सकते हैं। मेरे पास ब्राउन कलर का फर्नीचर है तो मैंने ब्राउन कलर का मंगवाया है। इसकी लेंथ 16.5 फीट है। आप अपने फर्नीचर की लंबाई के हिसाब से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये मुझे 499 रुपीज़ में मिला है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसके साथ में आपको एक टेप मिलता है जिसकी मदद से आप इसे कॉर्नर में चिपकाएंगे। साथ ही 8 कॉर्नर एज मिले हैं जो कि कोने में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको डोर प्रोटेक्टर भी मिलता है जो कि आप डोर में लगा सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी उंगलियों को दबा लेते हैं डोर के बीच में, तो इसको लगा देने से आपकी जो बच्चों की उंगलियाँ हैं वो सेफ हो रहेंगी। इस कॉर्नर प्रोटेक्टर के अंदर एक स्पेस होता है जिससे आप इसे आसानी से सेट कर सकें। ये कॉर्नर के अंदर भी सेम स्पेस होता है। इस जगह पर टेप लगाकर चिपकाया जाएगा और आप ये देख सकते हैं कि ये एक टेप है जिसके पीछे ऐसा एक पेपर लगा होता है। अब आपको दिखाते हैं कि ये कॉर्नर पर कैसे सेट होगा। ये देखिए, जैसे आप नॉर्मल टेप लगाते हैं वैसे ही इसे आपको कॉर्नर के दोनों तरफ चिपका देना है। इसको पहले हमने नीचे की तरफ लगाया है। और अब हम ऊपर की तरफ इसे चिपकाएंगे। ये जो बेड की किनारी होती है इसी पर अक्सर बच्चों का सर लड़ जाता है जिससे उन्हें चोट आ जाती है। तो हमने टेप को अब चिपका लिया है। अब इसके जो ऊपर का कवर होता है उसको निकालने के लिए हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट की सहायता लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पतला होता है जो कि आप केवल हाथ की सहायता से नहीं निकाल सकते। इसलिए ये मैंने एक नाइफ लिया है जिसकी जो एज है काफ़ी शार्प है और इससे आसानी से ये टेप निकल गया है। जैसे हमने ऊपर का टेप निकाला है उसी तरीके से हम नीचे का भी निकालेंगे। और ये काफ़ी आपको सावधानी से करना है, नहीं तो जो नीचे का ट्रांसपेरेंट टेप होता है वो भी साथ में चला आता है। इसलिए बहुत ध्यान से हमें ऊपर का कवर हटाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने टेप के कवर को निकाल लिया है और एक ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है वो फर्नीचर से चिपक गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये टेप हमने निकाल लिया। इसके बाद में आपको जो बेबी प्रोटेक्टर है इसे आपको नाप लेना है अपने फर्नीचर के अकॉर्डिंग कि ये कितना आएगा और इसे काट लेना है। उसके बाद इसी टेप के ऊपर आपको इसे चिपका देना है।
आप देख सकते हैं कि जो बेबी प्रोटेक्टर है इसे हमने किनारे पर लगा लिया है और ये फाइनल में इस तरीके से दिख रहा है। अब इसी प्रकार से आपको जो कॉर्नर होते हैं, जो आपको 8 कॉर्नर मिलते हैं, उन्हें भी आपको इसी तरीके से लगाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक फर्नीचर का कॉर्नर है और इस पर भी आपको टेप चिपकाना है काट काट के, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे टेप को चिपकाना है। जिस तरीके से कॉर्नर होता है, आपको कॉर्नर जैसे सेट करना है उसी दिशा में आपको टेप को काट कर चिपका लेना है। तो ये देखिए, हमने कॉर्नर को भी सेट कर लिया है। इसी प्रकार से जहाँ पर भी आपको लगे कि या ये कॉर्नर जो है वो हमारे बच्चे को चोटिल कर सकता है, तो आपको जो 8 कॉर्नर एज मिले हैं आप उन्हें इसी तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आपका टेप एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप नाइफ़ की हेल्प से उसे हटा भी सकते हैं। ये देखिए, हमने उसे हटा दिया है और बिल्कुल क्लीन जो हमारा कॉर्नर है वो फर्नीचर से चिपक चुका है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फाइनल लुक जो कि बेबी प्रोटेक्टर को लगाने के बाद आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल यानी घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। धन्यवाद।